जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने स्टडी 24 झारखंड यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, कल झारखंड बोर्ड के मैट्रिक और इंटरमीडिएट के छात्रों का बोर्ड एग्जाम प्रारंभ हो गया और कल का एग्जाम किस ढंग से संपन्न हुआ इसको लेकर के आज के सभी समाचार पत्रों दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, हिंदुस्तान, प्रभात खबर सभी समाचार पत्रों में प्रमुखता से प्रकाशित किया गया है, जिसे मैं आज इस वीडियो के माध्यम से संक्षेप में अच्छे ढंग से आप तक पहुंचाने का कोशिश करूंगा। साथ ही साथ जिन छात्रों ने कल बोर्ड एग्जाम को देकर के निकले तो उन सभी छात्रों का अपने प्रश्न पत्र के बारे में क्या कहना है, यानी कि प्रश्न पत्र भारी था या फिर आसान था या फिर कैसा था, वह भी मैं आपको बताऊंगा। साथ ही साथ आप सभी छात्र जिनका एग्जाम नेक्स्ट डे शुरू होने वाले हैं तो आप सभी छात्रों को किन किन बातों का ख्याल रखना है वो भी बताऊंगा। इसीलिए आप सभी छात्र हमारे साथ इस वीडियो में शुरू से लेकर के अंत तक बने रहिएगा। और दोस्तों, यह वीडियो आपके लिए थोड़ा सा भी हेल्पफुल और इंफॉर्मेटिव रहे तो लाइक और शेयर करते हुए इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा, ताकि ठीक इसी तरह से मैं आपको हमेशा के लिए हेल्प कर सकूं। तो दोस्तों, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले कल के एग्जाम को लेकर के आज के सभी समाचार पत्रों में जो प्रकाशित हुए हैं उसके हेडलाइन को देख लेते हैं, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। दोस्तों, आप लोग यहां पर स्क्रीन में देख रहे हैं जो आज के दैनिक हिंदुस्तान समाचार पत्र में प्रकाशित हुआ है, जिसमें दिया गया है कि पहले दिन कदाचार मुक्त हुई 10वीं 12वीं की परीक्षा। इसके नीचे जो हम लोग देख रहे हैं जो दैनिक जागरण में प्रकाशित हुआ है, जिसमें दिया गया कि मैट्रिक व इंटर परीक्षा में 96% विद्यार्थी हुए शामिल। इसके तीसरा जो हेडलाइन हम लोग देख रहे हैं कि डीओ ने किया निरीक्षण। इसके चौथा जो हेडलाइन हम लोग देख रहे हैं कि पेड़ की छांव में सुस्ताते नजर आए अभिभावक। इसके बाद अगला जो हम लोग देख रहे हैं हेडलाइन कि सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में हुई परीक्षा। और अंत में जो हम लोग देख रहे हैं कि मैट्रिक व इंटर परीक्षा को लेकर सुबह से ही चहलकदमी रही तेज। और इसके बाद आप सभी छात्रों को जिस बात का ख्याल रखना है वो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं, जिसमें दिया गया है कि परीक्षार्थी इन दिशा निर्देशों का रखें ख्याल। दोस्तों, कल आप सभी झारखंड बोर्ड के मैट्रिक और इंटरमीडिएट के छात्रों का बोर्ड एग्जाम झारखंड के 2400 जिलों में प्रारंभ हो गया और उसको लेकर के झारखंड में कुल मिला करके मैट्रिक के छात्रों के लिए 1256 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। वहीं पर इंटरमीडिएट के छात्रों के लिए 680 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं और वहां पर जो परीक्षा संपन्न हो रही है वह सीसीटीवी कैमरे के निगरानी में। और साथ ही साथ जो जिले के प्रमुख जिला शिक्षा पदाधिकारी होते हैं तो उनके निगरानी में ये एग्जाम हो रहा है। वहीं पर जितने भी अभिभावक हैं वे लोग अपने बच्चों को परीक्षा केंद्र में घुसा करके पेड़ों के नीचे या फिर किसी छांव में जो है सुस्ताते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि वर्तमान समय में गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। दोस्तों, इसके बाद चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कल जिन जिन छात्रों ने बोर्ड एग्जाम को दे करके निकले तो उन सभी छात्रों का अपने बोर्ड एग्जाम के प्रश्न पत्र के बारे में क्या कहना है। सबसे पहले जो हम लोग देख रहे हैं मौसमी कुमारी जो छात्रा है जो कल एग्जाम लेकर के निकली है, तो उसका क्या कहना है हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं। उसका कहना है कि जैक द्वारा पहले टर्म में ओएमआर सीट से परीक्षा लिए जाने से परेशानी नहीं हुई, यानी कि ओएमआर सीट पर जो एग्जाम हुआ फर्स्ट टर्म का ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के साथ, तो उसमें किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हुई, ये इस छात्रा का कहना है। इसके बाद उन्होंने कहा कि सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का उत्तर देना आसान था, हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए परीक्षा दे रहे थे, यानी कि जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न है वो इजी आ रहे हैं और उसका उत्तर देने में किसी तरह की कोई भी परेशानी नहीं हो रही है और ये एग्जाम सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए छात्र दे रहे हैं। दोस्तों, आगे जो हम लोग देख रहे हैं खुशी कुमारी का क्या कहना है, तो उसका कहना है कि लंबे समय तक ऑनलाइन पढ़ाई के कारण याद करने की आदत कम हो गई है, यानी कि जो याद करते थे छात्र तो वो जो है कमी हो गई है। आगे कि इस वजह से कुछ प्रश्नों का जवाब समय पर नहीं कर सके और लिखने की आदत जरूर कम हुई है, ऐसे में ओएमआर सीट बेहतर विकल्प है, यानी कि कोरोना के कारण छात्र स्कूल तो गए नहीं तो छात्रों का जो याद करने की आदत है वो कम हो गई, लिखने की भी आदत कम हो गई, ऐसे स्थिति में ओएमआर सीट जो है उसमें उत्तर देना बहुत ही आसान है, छात्रों को कोई भी परेशानी नहीं हो रही है। लेकिन जो उनका सेकेंड टर्म का एग्जाम हो रहा है लिखित, तो उसमें परेशानी हो रही लिखने में, किसी का राइटिंग गड़बड़ हो रहा है तो किसी का कुछ और भी हो रहा है। दोस्तों, आगे जो हम लोग देख रहे हैं अगला जो छात्र है वो है अफसर इमाम, उसका क्या कहना है।
तो उसका कहना है कि कॉमर्स का पेपर बेहद शांतिपूर्ण माहौल में हमने दिया है और एकाध प्रश्न को छोड़ दें तो बाकी आसान थे। यानी कि ये जो छात्र है कॉमर्स का छात्र था इंटरमीडिएट का, और इसका जो कहना है हम लोग देख रहे हैं कि एक दो प्रश्न जो है भारी था लेकिन बाकी प्रश्न आसान थे। आगे इसमें कहा है उन्होंने कि गर्मी के बाद भी हम लोग ससमय सेंटर पर पहुंच गए। यानी कि वर्तमान समय में जो हम लोग देख रहे हैं कि गर्मी बहुत तेज है फिर भी छात्र समय पर अपने परीक्षा केंद्र पर पहुंच रहे हैं, और ये भी छात्र पहुंच गया था। दोस्तों आगे हम लोग जो देख रहे हैं, अगला जो छात्र है सुदेश्वर महतो, इसका क्या कहना है? इसका कहना है कि परीक्षा से एन वक्त पहले कुछ राजनीतिक पार्टियों के द्वारा बंदी की घोषणा के कारण चिंता जरूर थी, लेकिन बेहतर प्रशासनिक व्यवस्था के कारण हम लोगों ने शांतिपूर्वक परीक्षा दी और अमूमन सभी प्रश्न आसान थे। यानी कि कल 24 मार्च को झारखंड में बंदी की भी घोषणा की गई थी कुछ राजनीतिक पार्टियों के माध्यम से, लेकिन फिर भी जो प्रशासनिक व्यवस्था थी उसके कारण छात्र अपने परीक्षा केंद्र में गए और वहाँ पर उन्होंने अपना एग्जाम को बहुत ही अच्छे ढंग से दिया। दोस्तों इसके बाद आप सभी छात्रों के लिए जो बहुत ही जरूरी है जिनका नेक्स्ट डेज एग्जाम शुरू होना है, तो आप सभी छात्रों को किन किन बातों का ख्याल रखना है चलिए अब हम लोग उसे देखें। तो आप लोग यहां पर स्क्रीन में देख रहे हैं जिसमें दिया गया है कि परीक्षार्थी इन दिशा निर्देशों का रखें ख्याल। किन किन दिशा निर्देशों का ख्याल रखना है? सबसे पहले परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्र पर अपना एडमिट कार्ड ले जाना अनिवार्य होगा। प्रवेश से पहले जांच की जाएगी। यानी कि आप सभी छात्रों के लिए आपका एडमिट कार्ड सबसे महत्वपूर्ण चीज है, उसे आप किसी भी हालत में घर पर नहीं भूलिएगा और अपने साथ परीक्षा केंद्र ले करके जाइएगा, अन्यथा आपको परीक्षा केंद्र में अंदर घुसने नहीं दिया जाएगा। दोस्तों इसके बाद जो दूसरा महत्वपूर्ण चीज है कि किसी भी परिस्थिति में बिना एडमिट कार्ड के परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी, इसीलिए आप सभी छात्रों को अपना एडमिट कार्ड साथ में लेकर के जाना है। दोस्तों इसके बाद जो तीसरा दिशा निर्देश है कि परीक्षार्थियों को निर्धारित समय से कम 30 मिनट पहले परीक्षा केंद्र पर रिपोर्ट करना होगा ताकि किसी प्रकार की असुविधा ना हो। यानी कि आप सभी छात्रों को अपने परीक्षा केंद्र में परीक्षा प्रारंभ होने से 30 मिनट के पहले यानी कि आधा घंटे पहले अपने परीक्षा केंद्र में चल जाना है। दोस्तों इसके बाद जो तीसरा महत्वपूर्ण चीज है कि कोविड से बचाव के लिए छात्रों को मास्क पहनना होगा, वह एक दूसरे से सोशल डिस्टेंसिंग बना करके रखनी होगी। यानी कि आप सभी छात्रों को मास्क पहन करके परीक्षा केंद्र में जाना है और आपको वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है। यानी कि आपको अपने मित्रों से बात करना हो या फिर अन्य किसी व्यक्ति से किसी तरह का बात करना हो तो लगभग 6 फीट का दूरी बना करके आपको रखना है परीक्षा केंद्र में। दोस्तों इसके बाद जो पांचवा महत्वपूर्ण चीज है कि एडमिट कार्ड में दिए गए सभी गाइडलाइन और परीक्षा केंद्र पर उपस्थित अधिकारियों के दिशा निर्देशों का पालन करना होगा। यानी कि आप सभी छात्रों का जो एडमिट कार्ड है उसमें बहुत से दिशा निर्देश दिए गए हैं, तो उस दिशा निर्देश का आपको पालन करना है और साथ ही साथ वहां पर जो केंद्राधीक्षक हैं उनके ओर से जो भी निर्देश आएगा उसका भी आपको पालन करना है। दोस्तों इसके बाद जो छठा महत्वपूर्ण चीज है कि परीक्षा केंद्र पर परीक्षार्थियों को मोबाइल फोन, ईयरफोन या अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण ले जाने की अनुमति नहीं दी गई है। यानी कि आप सभी छात्रों को मोबाइल है या फिर हेडफोन है या फिर चीटिंग का कोई भी सामान है उसे लेकर के परीक्षा केंद्र में नहीं जाना है। इसके बाद जो अंतिम और सातवां पॉइंट है कि परीक्षार्थियों को ध्यान रखना होगा कि प्रतिबंधित सामग्री लेकर आने या इसका उपयोग किए जाने पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। यानी कि अगर आप चीटिंग करते हुए पकड़े जाते हैं या फिर वैसे वैसे अन्य कार्य करते हुए पकड़े जाते हैं जो प्रतिबंधित है तो आप सभी छात्रों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और जो कानून है जो पहले से नियम बना हुआ है कि अगर कोई छात्र चीटिंग करते हुए पकड़े जाते हैं तो उसको 6 महीने तक जेल भेजा जाता है या फिर 2000 जुर्माना लिया जाता है और वहीं पर नेक्स्ट जो है 3 साल तक उसको किसी भी बोर्ड एग्जाम में बैठने से मना कर दिया जाता है। तो दोस्तों इस तरह से आज आपसे झारखंड बोर्ड के मैट्रिक और इंटरमीडिएट के छात्रों के बोर्ड एग्जाम को लेकर के
कुल मिलाकर के जो हम लोग देख रहे हैं 6-7 महत्वपूर्ण अपडेट थे, जिसे मैंने आज इस वीडियो के माध्यम से एक एक करके संक्षेप में अच्छे ढंग से आप तक पहुंचाने का कोशिश किया। और ठीक किसी तरह से आपके लिए जो भी छोटे बड़े अपडेट होते हैं तो इस YouTube चैनल के माध्यम से आप तक भेजता रहता हूं। इसीलिए आपसे छात्र इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके इसके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके रख लीजिए। और दोस्तों यह वीडियो आपके लिए थोड़ा सा भी हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव रहा हो तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू।